प्यारी फैबुलस लेडीज़ और मेरे मेल व्यूअर्स भी, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो आप सभी को हाय और नमस्ते। मेरा नाम बतूल दीवान और मैं पैशनेट हूँ विमेन के लिए वर्क करने में, जो अपनी लाइफ में स्टक, लोनली, लवलेस फील करती हैं, जिन्हें लगता है कि उनके रिलेशनशिप्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो अपने प्रोफेशनल करियर रिलेशनशिप्स और करियर में आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानियां फेस कर रही हैं, अपने लिए स्पीकअप नहीं कर पाती हैं और जिनकी पर्सनल हैप्पीनेस में भी कई तरीके की बाधाएं हैं, बिकॉज वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं और अपनी लाइफ खुल के नहीं जी पा रही, और वो कुछ करना चाहती हैं अपने जीवन में, अपने पैशन में जीना चाहती हैं, पर वो ये सब कुछ नहीं कर पा रही हैं। और ये सब कहीं ना कहीं इट्स नॉट प्रोबेबल बट श्योरली ये हमारे इनर ब्लॉक्स, इनर ट्रॉमा, इनर कंडीशनिंग से आता है, इनर प्रोग्रामिंग से आता है। और मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में ये सारे चैलेंजेस, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनैलिटी में फेस किए हैं। मैं खुद एक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इनर पर्सनैलिटी से आज एक पर्सनैलिटी बन गई हूँ, जो कि आउटस्पोकन है, जो कि कॉन्फिडेंट है, जो कि लोगों से बात कर पाता है। मैंने अपने करियर में, अपने हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में, सब में इम्प्रूवमेंट, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस में इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस किया है बिकॉज ऑफ इनर वर्क, जो मैं अपने आप पर, अपनी सोल, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट है सोल पर जो मैं काम कर रही हूँ उससे। और इसीलिए मैं यहाँ हूँ, ताकि आप लोग, आप मेरी तरीके की विमेन, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़ी हो या छोटी, लेकिन आप ऐसा कुछ फील कर रही हैं तो मैं आपको महसूस कर सकती हूँ। और इसीलिए मैं यहाँ हूँ, ताकि मैं आपकी भी मदद कर सकूँ। जो मैंने अपने लिए किया है वो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ, वीडियोस पे बात करती हूँ, मैं कोर्सेज भी डेवलप कर रही हूँ, और मैं आपके लिए एक लिंक भी छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ मैं कम्युनिटी डेवलप कर रही हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑफ आप एक ही तरीके की वुमेन के लिए, जो कि अपने ऊपर काम करना चाहती है, अपनी लाइफ, अपनी हैप्पीनेस, अपने रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल पावर अपने हाथ में लेना चाहती है, अपनी स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी को हील करना चाहती है और अपनी लाइफ को फुलेस्ट हैप्पीनेस और फ्रीडम में जीना चाहती है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, लव, करियर और सभी तरीके की खुशियाँ एक्सपीरियंस करना चाहती है। ये सब स्टार्ट होता है अंदर से। जब आप अपने आप को अंदर से रिफाइन करती हैं, तब आप बाहर से भी ग्लो करती हैं और बाहर से आपके हर एरिया ऑफ लाइफ अपने आप अलाइन होने लगता है। तो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी डेवलप की है, जहां मैं इस तरीके की बातें करती हूं और वो सारी टिप्स शेयर करती हूं जो मैंने अपने लिए की हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो मैं आपको, आपका स्वागत करती हूं एंड आई इन्वाइट यू। और अगर आपके दिल में कुछ है जो कि अब आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम आप शेयर करना चाहती हैं, आप उसके लिए सॉल्यूशन चाहती हैं, तो मैं एक लिंक और छोड़ दूंगी जो कि 1-on-1 कॉल के लिए होगा। आप मेरे साथ 1-on-1 फ्री कॉल भी बुक कर सकती हैं, और जहां हम आपके साथ बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसके अराउंड क्या सॉल्यूशन है हम उसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं लेडीज़ के लिए 1-on-1 कोचिंग भी करती हूँ और मैं प्रोग्राम्स भी डेवलप कर रही हूँ। तो ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। आज मैं पहली बार हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कई व्यूअर्स और जानने वालों ने कहा कि आप हिंदी में क्यों नहीं बोलती, हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा और हम हिंदी में सुनना चाहते हैं। और हमारे इंडिया में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो हिंदी में ये कंटेंट सुनना चाहती हैं, मेरी खुद के कई रिश्तेदार भी हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर बीच बीच में मैं थोड़ा सा इंग्लिश में चली जाऊँ, हालांकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश से कहीं ज़्यादा अच्छी मुझे लगता है मेरी हिंदी है, पर मैंने कभी इस तरह के सेटअप में हिंदी में बात नहीं की है, इसलिए मैं थोड़ी सी इंग्लिश के कुछ टर्मिनोलॉजी वाले वर्ड्स यूज़ करूँगी, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे समझ जाएंगी। अगर आप नहीं समझ पा रही हैं या पा रहे हैं, अगर आप मेरे मेल व्यूअर्स भी हैं, तो आप कॉमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट्स को ज़रूर एड्रेस करूँगी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, और आज का टॉपिक, मैं हर बार लाइव करने से पहले अपने साथ बैठती हूँ, ईश्वर के साथ बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अपने आप से बातें करती हूँ और पूछती हूँ कि किस
सब्जेक्ट किस टॉपिक पे हम बातें कर सकते हैं, और उस हफ्ते मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया होता है, जो भी पर्सनल ग्रोथ की होती है, या जो भी मेरी लर्निंग्स होती हैं, या मुझे जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है, मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाती हूँ और यहाँ आके बात करती हूँ। आज सुबह मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक आर्टिकल भेजा जिसमें एक पुरुष अपने घर से भाग गए थे, और जब पुलिस ने उनको पकड़ा और घर जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही कंट्रोलिंग है और मुझे जेल में बंद कर दीजिए, मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा पर मैं अपने घर नहीं जाऊँगा। जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा इसमें ज़रूर बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने जब इस पर डीपली सोचा और विचार किया तो मैंने ये पाया कि मेरे अराउंड मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे डिस्कस करती हैं कि उनके रिश्तेदार, उनके इन लॉज या उनके पार्टनर या उनके कोई फ्रेंड जिनके पार्टनर या रिश्तेदार या इन लॉ बहुत कंट्रोलिंग है, और इस तरीके का नेचर किसी भी इंसान को सफोकेटेड कि हमारी आज़ादी छीन गई है, हमें हर चीज़ में कोशिश कर रहा है और हम अपनी आज़ादी में जी नहीं पा रहे हैं, और इस तरीके के जीवन जीने से अच्छा है लोगों को लगता है कि वो भाग जाएं, वो इस रिलेशनशिप में ही नहीं रहना चाहते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इस चीज़ पे बात करूँगी, इस टॉपिक पे बात करूँगी, और इस तरीके का कंट्रोलिंग नेचर है जो कि आता है हमारे प्रोग्रामिंग पे, हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स पे। अटैचमेंट स्टाइल्स का हिंदी वर्ड मुझे लगता है आप समझ जाएंगे अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है, पर अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगी। ये सारे पैटर्न, स्पेशली कंट्रोलिंग पैटर्न, आता है हमारे अटैचमेंट स्टाइल पे, और हमारे हर इंसान मोस्टली 3 से 4 तरीके की अटैचमेंट स्टाइल शो करता है। पहला होता है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, दूसरा होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, तीसरा हो सकता है एंग्शियस अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो कि इन दोनों का मिक्स है, और चौथा होता है सिक्योर। सिक्योर वो अटैचमेंट स्टाइल होता है जहाँ इंसान काफ़ी ज़्यादा हील होता है, हील इंसान होता है, जो पूरी तरह हील नहीं होता है ऑफकोर्स, क्योंकि हम सब अपनी हीलिंग जर्नी में हैं, हम कभी पूरी तरह हील नहीं हो सकते। जब हम पूरी तरह हील्ड हो जाएंगे वो तब होगा जब हम भगवान बन जाएंगे, पर हम सब जर्नी में हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हील हो रहे होते हैं। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के व्यक्ति या महिलाएं या पुरुष वो होते हैं जो कि लव एक्सप्रेशंस, वल्नरेबिलिटी, ओपननेस, सब कुछ बहुत ही हेल्दीली एक्सप्रेस करती हैं, और उन्हें इन सब चीज़ों में कोई परेशानी नहीं होती। वो अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप पे विश्वास रखती हैं और उन्हें खुद पे भी विश्वास होता है। हालांकि जो पहले 3 अटैचमेंट स्टाइल हैं वो हमारी चाइल्डहुड में हुए इवेंट्स की वजह से हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, और जो कंट्रोलिंग नेचर होता है वो आता है सबसे पहले वाले यानी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल से। और मैं ये क्यों समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है, और मेरा अटैचमेंट स्टाइल तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डेंजरस वाला था, जो कि सिर्फ ना सिर्फ एंग्शियस था, ना सिर्फ अवॉइडेंट था, मेरा तीसरा अटैचमेंट स्टाइल था जो कि एंग्शियस अवॉइडेंट दोनों का मिक्सचर था। तो आप समझ सकती हैं कि मैं किस तरीके की कंडीशनिंग से गुजर के आज यहाँ पहुँची हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ज़रूर अब रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं अपने लिए कर सकती हूँ तो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वहाँ से आता है, मैं आज इसी के बारे में बात करूँगी। एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल आता है हमारी चाइल्डहुड फियर से। मैं बीच में अपने नोट्स रेफर कर रही हूँ। वो लोग जिन्हें फियर है अबैंडनमेंट का, अबैंडनमेंट मीन्स हमें लोग छोड़ देंगे, हमें हमारे प्यार करने वाले छोड़ के चले जाएंगे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, हम इनसिक्योर फील करते हैं, हमें हमेशा एक डर लगा रहता है, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं अपने दोस्तों, अपने परिवारजन या अपने पार्टनर पे, हमें हमेशा एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस लगा रहता है, हम कभी उन पे विश्वास नहीं कर पाते, हमें लगता है कि अगर उन्होंने 2 बार फ़ोन नहीं उठाया तो उनका किसी के साथ अफेयर है या वो किसी और के साथ भाग गए हैं,
और अगर उन्होंने हमने खाने का डब्बा दिया और उन्होंने खाना नहीं खाया, तो ज़रूर वो किसी और के टिफिन से खा रहे हैं, उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में हम उन पे डाउट करने लग जाते हैं, और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिज में नहीं होता, ये फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है। और हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं, ये एक बहुत ही सोर्स वाले डर से आता है, डीप डाउन अंडरलाइन फियर से आता है, जो कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ बीइंग अलोन से आता है। और ये हमारे अंदर डेवलप होता है क्योंकि हमारी चाइल्डहुड में हमारी पेरेंटिंग बहुत ही हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड मतलब कि एक इनसिक्योर पेरेंटिंग होती है, जहाँ की शायद बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है। हमें कभी समझ नहीं आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए होंगे या नहीं होंगे, कभी वो हमारे तरफ प्यार दिखाते हैं, कभी हमारी तरफ वो प्यार नहीं दिखाते हैं, और हम कभी भी उन पे रिलाई नहीं कर पा रहे होते हैं बचपन में, जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा एडजस्टिंग हो जाते हैं कि या तो हम प्लीजिंग बन जाते हैं, एक्सट्रीमली पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं, या हम कंट्रोलिंग बन जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स से वो सिक्योरिटी नहीं मिली। और ये हमारे पेरेंट्स से इसलिए नहीं मिली क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी उसी चीज़ से गुजर रहे थे, वो खुद भी सिक्योर नहीं थे अपने अंदर, वो खुद भी फियरफुल थे, इसीलिए वो हमें और क्या बेहतर दे सकते थे, और इसीलिए हमारे ऊपर भी उन्होंने इसी तरीके का बर्ताव दिखाया। तो कमिंग टू इसके लिए क्या सल्यूशन हो सकते हैं, मैं आपको तीन स्ट्रैटेजीज दूंगी। पहली स्ट्रैटेजी, मैं आज एक काम करती हूँ, मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे बात करूँगी ताकि हम आज इस वीडियो को क्लोज़ कर सकें, और मैं अगली बार आके आपसे दो और स्ट्रैटेजीज पे बात करूँगी पार्ट टू में। तो पहली स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप अपने इस नेचर के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, जिसको मैं टेक्निकल टर्म्स में कहना चाहूँगी, बिकम मोर कंफर्टेबल विथ अनकम्फर्टेबल एंड डिस्ट्रेसफुल इमोशन। अनकम्फर्टेबल और डिस्ट्रेसफुल इमोशन के साथ कम्फर्टेबल बन जाइए। सो होता यूँ है कि हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान लें, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, कर रही है, उसके कितने दोस्त हैं नहीं हैं, वो क्या खा रहा है का नहीं खा रहा है, वो हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। हम सब कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि हम सब कुछ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड में हमारे पेरेंट्स प्रेडिक्टेबल नहीं थे हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स ने हमें वो इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं दी, इसलिए डीप डाउन हमारे अंदर वो ट्रॉमा बैठा हुआ है कि हमें हर कोई छोड़ के चला जाएगा, और इसीलिए हमें लग रहा होता है कि हम इनके बारे में कैसे सब कुछ पता कर लें ताकि हम सब कुछ प्रेडिक्टेबल बना दें। और इसीलिए हमारे लाइफ में अगर हमारे अंदर इस तरह के ट्रॉमा है तो हम इसी तरीके के पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं एंग्शियस हूँ तो मैं अवॉइडेंट पार्टनर अट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि डीप डाउन हमारी सोल अपने आप को हील करना चाहती है, और उस हीलिंग के लिए ही हम इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम हील कर सकें। पर हम अपने लेसन्स नहीं लर्न करते हैं और हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही उलझ के रह जाते हैं, या तो वो रिलेशनशिप टूट जाता है और हम फिर से अबैंडन्ड हो जाते हैं, और हम फिर से उसी तरीके के पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि हम कैसे इसे तोड़ें और कैसे हम लेस एंड लेस कंट्रोलिंग और मोर एंड मोर हील एंड सिक्योर्ड बने। तो हम अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम रिलेशनशिप में अगर नए नए आए हैं तो हम एक बार में सब कुछ नहीं जान पाएंगे कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो कहाँ आए, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम सब कुछ नहीं जान सकते, और सब कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है। तो जब हमें इस तरीके की एंग्जाइटी फील हो, फियर फील हो, डिस्ट्रेसफुल इमोशन फील हो, तो हमें एक सेकेंड ज़रूर कुछ यहाँ कीड़ा मेरे अंदर घुस गया है, आई एम सॉरी, तो हम उसके साथ कंफर्टेबल बनना सीखें, अवेयर हो जाएं कि आप इस तरीके की फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, और अपने पैटर्न्स को नोटिस करना चालू करें कि आपको कहाँ, किस सिचुएशन में, किसके साथ, किस किस कंडीशन में इस तरीके की फीलिंग आ रही है। जब आप अवेयर होना चालू कर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये आपके साथ कब और किस किस कंडीशंस में इस तरीके के पैटर्न रिपीट होते हैं, और माइंडफुल हो जाएं, जान लें कि अगर आप कंट्रोलिंग रहेंगे, आप
अपने पार्टनर पे ये सब चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे उसको कंट्रोल करके, तो हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे। हमें लॉन्ग टर्म विजन से देखना है। तो आप इस वक्त एक हार्ड डिसीजन लें और अपने उस अनकंफर्टेबल इमोशन के साथ सिट विथ योर अनकंफर्टेबल इमोशन, अपने उस अनकंफर्टेबल इमोशन के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करें रादर देन अपने पार्टनर पे निकालने की जगह। उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ब्रेथ वर्क एक्सरसाइज बताऊंगी। अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखें, डीप ब्रेथ इन करें, इनहेल करें और एक्सहेल करें, और अपने आप से कहें, बॉडी मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मुझे पता है कि आप मुझे ये थॉट्स भेज रही हो जिसमें कि फियर, एंग्जाइटी, सामने वाले के लिए डाउट, सामने वाले के लिए डिस्ट्रस्ट है, पर मैं जानती हूँ आप ये क्यों भेज रही हो। मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ और मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे पता है आप ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही भेज रही हैं, पर मैं सेफ और मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और कई बार डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करें और अपने आप से प्यार से इस तरीके से बात करें, काफ़ी हद तक आपकी एंग्जाइटी उस वक्त रिलीव होने लगेगी और आप रादर देन अपने पार्टनर पे वो निकालने की बजाय अपने आप में उस चीज़ को एड्रेस कर रही हूँ। हमारी बॉडी इस तरह से वर्क करती है क्योंकि हम अपने डीपेस्ट फियर को लिव करना चाहते हैं। हम सब कॉन्शियसली हमारी बॉडी चाहती है कि अपने डीपेस्ट फियर्स, अपने डीपेस्ट फियर को लिव कर ले ताकि अगली बार वो फियर ना हमारे जीवन में फिर से ना आए। इसीलिए हम वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हमारा पार्टनर हम पे चीट कर रहा है अगर उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। बट ये हमारा थॉट है, हमारा थॉट हमारी रियलिटी तब तक नहीं बनता जब तक हम उसे बार बार नहीं सोचते। तो हमें डिसोसिएट करना है, सेपरेट करना है अपने आप को और अपने थॉट को, और अपने आप को बताना है कि ये जो थॉट हमें आ रहा है ये हमारे पास्ट कंडीशनिंग की वजह से आ रहा है, इसीलिए हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे थॉट्स भेज रही है, बट ये हमारी रियलिटी नहीं है। और उस पास्ट कंडीशनिंग की वजह से मैं अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर, अपने एक अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहती ओवरटली कंट्रोलिंग बनके। तो आज मैं एक हार्ड डिसीजन लेती हूँ, आज मैं इस अनकंफर्टेबल इमोशन में कुछ देर बैठती हूँ, अपने आप को प्यार से बात करती हूँ ताकि कल मैं मोर एंड मोर अपने आप को हील और सिक्योर बना सकूँ। और ये बहुत ही एक डीप चेन रिएक्शन हमारे सबकॉन्शियस में स्टार्ट करता है जिससे कि हम प्रैक्टिस करने लगते हैं बार 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 इस चीज़ को अपने अंदर इनग्रेन करना, और हम और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा सिक्योर बनते जाते हैं क्योंकि हम बार बार इस बिहेवियर को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये है पहला पॉइंट, आप इसे प्रैक्टिस करें, आप इसे करके देखें, आपको इसे ज़रूर मदद मिलेगी। हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं पर हम दूसरी स्ट्रैटेजीज़ को अगली बार आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, इसे दूसरी विमेन के साथ शेयर कीजिए, आप दूसरे मेन के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके जान पहचान में है जिसे इसकी ज़रूरत है, डेफिनेटली शेयर कीजिए। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में और बाहर ऐसे हैं जो इस चीज़ पर वर्क करना चाहते हैं, जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सकूं और अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं। और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आप और भी ऐसे कंटेंट देख सकेंगे। तब तक के लिए अब साइनिंग ऑफ नाउ, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगी विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय, मेरा नाम बतूल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।